अंडमान हंटर्स के एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम लोग जा रहे हैं क्रैब पकड़ने, मेरे साथ है परेश भाई, आज एक्सेल पकड़ेंगे। और अभी करीबन सुबह के 6:30 बज चुका है, अभी भी पानी है, हर पत्ती में पानी है, तो हम लोग निकल पड़े हैं। अभी हम लोग को चलना है करीबन 1 घंटा से ऊपर, तो चलिए जगह में पहुँचते, फिर आपको दिखाएंगे आज क्या केकड़ा मिलता है। आज हम लोग मट क्रैब पकड़ेंगे, बड़ा वाला एक्सेल, बड़ा साइज। तो फ्रेंड अभी भी चल रहे हैं और पहुँचेंगे, थोड़ा देर में ही पहुँच जाएंगे। परेश भाई वहाँ में है, सामने चल रहा है, पहुँच चुके हैं जहाँ पे हम लोग क्रैब पकड़ेंगे, जो नाली है, कोरल्स भरा वाला नाली। आराम से देख के चलना पड़ेगा, ये देखिए कोरल्स भरा है इसमें, वाह। तो चलिए आगे तरफ बढ़ते रहते हैं, जब भी मिलेगा क्रैब आपको दिखाएंगे कि आज हमें फर्स्ट क्रैब कौन सा मिलता है। भाई हो गया, हो गया, हो गया। चलो तो फ्रेंड हमें एक मिला है, देख लेते हैं। हाँ मुझे दिख भी गया, आपको आराम से दिखा देते हैं। रे बाबा, ये देखिए साइज, ए जिम्बल पकड़ लिया। ओह ये तो अटैच ही है, छोटा मोटा, छोटा नहीं बहुत ही बड़ा। ओ माय गॉड, ओह हो गया तेरा वीडियो, तुम पकड़ो। बाबा, तो फ्रेंड्स ये कोरल जो है इसी के अंदर ये ज़्यादा रहते हैं, इसके बॉडी के ऊपर सीपी भी लग चुका है, आपको दिखाएंगे। लेकिन ये 2 kg 2.5 kg तक तो हो जाएगा। परेश भाई का हाथ के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि ये क्या है, कितने बड़े मॉन्स्टर है। ओके बाबा, हमको तो पास में जाने से ही डर लगता है, पूरा पाँव रहे। यहाँ पे ये देखिए ऊपर में सीपी है, दिखाएगा पानी तो, आवाज सुन सकते हैं फ्रेंड आप, पूरा गुस्सा में आए। बहुत दिन बाद आज एक्सेल पकड़ने आए, तो आज के जो हमारे फर्स्ट वाला मिला बहुत ही बढ़िया है, बढ़िया नहीं बहुत ही बड़ा है। चलो मेरा कमाई तो हो गया, तो परेश भाई का तो आज का एक ही केकड़ा में उसका जितना भी पैसा रेवेन्यू आएगा एक दिन का तो निकल जाएगा। ओह माय गॉड, बिग साइज, तो ये करीबन अभी हाथ में तुम पकड़े कितने केजी तक होगा? ये 2 kg के ऊपर, 2 kg के ऊपर है। हाँ ठीक है फ्रेंड, आगे तरफ बढ़ते हैं। और हम जब आए थे तब बोले थे 6:30 बज रहा है, लेकिन आप सूरज अभी देख सकते हैं बहुत ही ऊपर है, अभी करीबन 7:30 से 8 बज चुका है, आसमान नीला नीला हो चुका है। तो हमारे फर्स्ट बोनी के साथ बढ़ते हैं आगे तरफ, रॉड ले लो, थैला में डालने का खाता, देखो थैला भर दी।
तो ये देखिए ये बैग बहुत ही बड़ा है, लेकिन केकड़ा भी बहुत ही ज्यादा ही बड़ा है। तो चलिए आगे तरफ बढ़ते रहेंगे, और इस तरह एक पीस मिलने से ही बस है, और नहीं चाहिए। करीबन इसमें 4-5 केजी तक तो दो में हो जाएगा। तो परेश भाई बढ़ रहा है, तो चलिए मिलते हैं आगे। तो फ्रेंड बोलते बोलते हमें और एक मिल गया है, बहुत देरी के बाद, करीबन 1.5-2 घंटा बाद। तो बड़ा साइज ही है, लेकिन पहले जैसा था उसी तरह। भाई भाई अरे एक तरफ गड्ढा है, चले जाएगा। तो क्योंकि फ्रेंड ये तरफ गड्ढा है, तो ये तरफ जाने नहीं देंगे, क्योंकि ये गड्ढा में ज़्यादा पानी में चले जाएगा तो उसे पकड़ नहीं सकेंगे हम लोग। ये देखिए, ओह हो हो, ये माल इधर ही था। ओह ये साउंड सुनने में ही जो मजा है रियल में। इसको ना फटाक से पकड़ लेना एकदम, एकदम पानी में है ना, पूरा ताजा है। फटाक से तुमको ना पकड़ ले, फिर फटाक से तुम। आराम से, आराम से इसको पकड़ना, और एक पैसा पकड़ना बराबर है। 2.5 किलो का हाथ नहीं। तो फ्रेंड ये देखने में अगर 2.5 किलो रहेगा तो इसका जो जोर रहता है वो बहुत ही ज़्यादा रहता है। आप अगर कभी अरे भाई अपने आप को काट रहा है क्या? तो इसे अभी तो बश में कर लिया गया है। ये देखिए उधर एक लंबा रस्सी, वो देखिए। ओहो इनको रस्सी भी लाने जाना। बहुत घूम लिया, अभी जाएगा सीधा घर। हाँ तो फ्रेंड अभी करीबन 9:30 से 10 बज चुका है शायद, तो हमें 2 ही मिला है, और हमारे टारगेट भी 2 ही था। और सामने ही वहाँ में आप देख सकते हैं, पहले भी हम एक वीडियो में बोले थे, वो मगर नाली है, उसमें मगर है, तो उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। और ये है हमारे सेकंड वाला, ये भी उसी तरह पहले जैसा था उसी तरह बड़ा, थोड़ा छोटा है, हल्का छोटा है। तो ये देख सकते हैं, ये भी बहुत ही बड़ा साइज़ है। ये जो ये भी आप नाली ही बोल सकते हैं, क्योंकि वो साइड में थोड़ा पानी ज़्यादा है। और सूरज आपको दिखा दूँ, सूरज वहाँ है, तो और थोड़ा देर बाद हमारे सर के ऊपर आ जाएगा। तो बिग साइज, ओ हो, चलो तेरा साथ एक ले लेते। ओ माय गॉड, आज तो परेश भाई का लॉटरी है, लॉटरी है। 2 मिला ना 2 मिला। तो फ्रेंड टारगेट ही यही था, और आज भी अभी पहले ही बोले ठंडा गिरना शुरू हो गया है अंडमान में, तो इसी टाइम में एक्सेल ज़्यादा मिलता है। ये जो ग्रीन वाला क्रैब होता है, नहीं बीच में हम आया था सिंगल यही एरिया में, लेकिन एक भी नहीं मिला। दो रेड क्रैब मिला था, रेड क्रैब भी मिला, लेकिन आज अभी तक रेड क्रैब नहीं मिला ना। तो चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं, और आपको मगर नाली भी दिखा देंगे।
कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड ये एक सांप का तरह लग रहा है मुझे, पता नहीं क्या है, काटना ले, मुझे दिख गया ऊपर ही, क्या है ये, देखिए अभी तक जिंदा है, चल रहा है, वो पानी में ही जाएगा। ओहो हमें देख के डर रहा है लगता, सांप तो है नहीं, ये बाम मच्छी है। बाम मच्छी तो ऊपर में क्या करते, हमको तो पानी में रहना चाहिए। चलो पानी में चला गया। तो फ्रेंड ये है मगर नाली, पानी अभी भर रहा है, ज़्यादा नज़दीक जाना खतरों से खाली नहीं है। तो पानी अभी भर रहा है, सूरज सिर के ऊपर आने वाला है थोड़ा देर बाद, और गर्मी में टिक नहीं पाएंगे, तो जाएंगे घर के तरफ, फिर रिटर्न देखते देखते जाएंगे अगर मिल गए तो। तो चलिए जाते जाते अगर मिल जाता है तो आपको एक बार दिखा देंगे। तो फ्रेंड हम लोग जंगल के साइड में आ गए हैं, और आने के बाद मिला क्या, ये जगह गड्ढा खोदने का प्लानिंग में था, ठीक है, मट्टी छेला पानी के अंदर। हाँ तो फ्रेंड वहाँ में वो गड्ढा खोद के बैठा था शायद, केकड़ा तो यहाँ में है, ये देखिए बहुत ही बड़ा नहीं है लेकिन बहुत ही छोटा नहीं है, उससे छोटा है अभी तक जो मिला है, सबसे छोटा ही है। ये लाइन से मिलता है सब, पहले सबसे बड़ा वाला मिला, हाँ फिर उससे थोड़ा छोटा वाला, अभी एक रेड क्रैब मिलेगा लगता है, रेड क्रैब मिलेगा इससे तो लगता है, देख लेते हैं। और हम पहुंच गए हैं जंगल की तरफ फ्रेंड, वो देखिए सामने ऊपर में आपको पहाड़ दिख रहा होगा, तो हम लोग पहाड़ के साइड में ही हैं, तो इसके बाद तो और खाड़ी नहीं है। तरफ से हटो, हटो सर, कहाँ गया, कहाँ जाएगा, तो केकड़ा पानी के अंदर रहता है तो ज्यादा ही नखरा करता है इसको, अगर हमको मत मारो रे बाबा, चलो पकड़ लिया है, दिखाओ यार थोड़ा, ये तुमको छोटा लगता था बे, नहीं ये बहुत ही बड़ा ही है फ्रेंड, लेकिन वो जो पहले दो मिला उससे छोटा है, उसमें भी छोटा छोटा सीपी आ गया, इसमें भी सीपी भरा है, तो सामने आपको जंगल दिखा दिए फ्रेंड, तो सामने तो और जगह ऐसा है ही नहीं, मिलने से भी रेट क्रैब ही मिलेगा क्योंकि एक्सेल का जगह ख़त्म हो चुका है। तो वीडियो अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में आए हुए बेल आइकन को दबाएँ ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो डालें सबसे पहले आपको मिले, और हो सकता है तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, अगर कोई है जिस तरह वीडियो देखना पसंद करते हैं तो उसे ज़रूर शेयर करें, और यहाँ में पिछला जो वीडियो है वो भी आप लोग देख सकते हैं। हाँ तो यहाँ का पहले एक वीडियो भी है, वो भी आप देखें, आपको मज़ा ज़रूर आएगा 100%ली। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और हम अंडमान से वीडियो बनाते हैं, आप हमारे वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं हमें ज़रूर बताइएगा, तो बहुत दिन से हम ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहे थे तो आज फिर से पूछ लिया, आप हमारे वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं, बहुत ही बड़ा साइज़। तो परेश भाई कुछ बोलना चाहेगा लास्ट में यार, आज दो दो बोलते बोलते तीन मिल गया है, तो कुछ मिलेगा नहीं, चलो हमको कुछ चाहिए ही नहीं।
तंतु मिला बस से। ये देखिए फ्रेंड, तीनों है इसके अंदर, एक दो नीचे, एक दो तीन। तो टाटा बाय बाय, मिलते हैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। हाँ तो अभी हम लोग घर के तरफ निकलेंगे, अभी करीबन 10:30 हो गया। अगर केकड़ा मिलता है तो दिखाएंगे। हाँ अगर केकड़ा मिलता है तो दिखाएंगे, लेकिन हम लोग जंगल के साइड आ गए, मिलने से रेड क्रैब भी मिलेगा। तो देखते हैं अगर बड़ा साइज का रेड क्रैब मिलेगा, बड़ा साइज 700-800 ग्राम, तो ज़रूर दिखाएंगे। तो चलिए मिलते हैं, अगर रेड क्रैब मिलता है तो इसी वीडियो में मिलेंगे, अगर नहीं मिलता है तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टाटा बाय बाय।